ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं राजेश सर पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। अभिवंचित एवं वर्ग के लिए शिक्षा। जैसा कि साथियों हम सब लोग जानते हैं, हमारा देश गुलाम था। गुलामी से छुटकारा मिले, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिले, लगभग 70 वर्ष से अधिक हो गया। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा फासला तय किया गया है। भारत विश्व का दूसरा देश है जहां विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के 20 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था गतिशील है। फिर भी समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वंचित वर्ग या हाशिए पर खड़े लोगों की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से इनकी शिक्षा के बिना अभी सबके लिए शिक्षा का प्रयास अधूरा है। अर्थात जब तक हम इन वंचित वर्गों को शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारे सभी प्रयास अधूरे कहे जाएंगे। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। आज संविधान के क्रियाशील होने के इतने वर्षों बाद भी इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को 100% शिक्षित नहीं किया जा सका है। उनमें सर्वाधिक संख्या हाशिए पर खड़े लोगों की है और हाशिए पर खड़े लोग वे लोग कहे जाते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्त्रियां आती हैं। हाशिए पर खड़े लोगों के लिए निम्न शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमें है हम प्रथम पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास। इसके लिए हमारा प्रथम है स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास। साथियों यहां ध्यान देने की बात है कि आज का हमारा समाज अपने पुत्रों को ही शिक्षित करना चाहता है, पुत्रियों को नहीं। जबकि यह गलत बात है। पुत्र तो जहां पे जन्मा है अपने शिक्षा का विस्तार वही करेगा, लेकिन पुत्रियां वे अपने ज्ञान को कई घरों तक प्रकाशित करती है। पुत्री पिता के घर को, पति के घर को, इसके अलावा और परिवारों के लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा शिक्षा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में स्त्री शिक्षा के लिए भारत सरकार ने सन 2004 में एक योजना चलाई उनको शिक्षित करने के लिए। उस योजना का नाम है कस्तूरबा गांधी
गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसको के जी बी बी पी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में हुई। इन विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा उन बालिकाओं के लिए की जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है। इनकी शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खंडों में खोले गए जहां अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहां ग्रामीण महिला साक्षरता कम है। साथियों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ऐसे स्थानों पे चलाई गई जहां पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की व्यक्तियों की साक्षरता दर कम है वहां पे प्राथमिक स्तर तक के आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत उन छात्राओं को शामिल किया गया जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, उनको भी सम्मिलित किया गया और जो विद्यालय नहीं गए हैं उनको भी सम्मिलित किया गया। तो साथियों, अब दूसरा है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। स्त्री शिक्षा के प्रथम प्रयास में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना था। अब दूसरा है पढ़ी बेटियां पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। दूसरी योजना चलाई गई पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। इस योजना के अंतर्गत सूबे में या हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए 30,000 तक एक मुफ्त दिए जाएंगे। यह लाभ सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की छात्राओं को मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से गरीब तबके की बालिकाओं को अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने हेतु न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक मदद के माध्यम से उन्हें शिक्षा संबंधी सहूलियत भी मिल सकेगी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने परिवार पर ही आश्रित न होंगी, वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए उनकी राह स्वतः आसान होगी और वे किसी के ऊपर भार नहीं बन पाएंगे। अतः यह योजना सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। इस तरह से स्त्री शिक्षा के लिए ये जो दो प्रयास किए गए यह वास्तव में काबिले तारीफ है। स्त्रियों की वे स्त्रियां जो
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उन छात्राओं के लिए पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां जैसी योजना का शुभारंभ किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा के जो प्रयास किए गए वो हमारे दो प्रयास कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना। तो स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद।